वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे आपका स्वागत है। देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है आपका रोमांस, ROMANCE, रोमांस। तो स्टूडियो, में रोमांस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या आते हैं और हर सिनोनिम्स को सेंटेंसेस में यूज करके समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रोमांस का अर्थ और मतलब और सेंटेंसेस में यूज। रोमांस को हम बोलते हैं लव, अफेयर, कोर्टशिप, फ्लर्टेशन एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो रोमांस का मतलब क्या होता है? रोमांस का मतलब होता है प्रेम लीला, प्रेमाख्यान, प्रेम संबंध। मुआशिका को हम बोलते हैं रोमांस, इश्क और मोहब्बत को हम रोमांस बोलते हैं, प्रेम लीला को हम रोमांस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं रोमांस को, फिर इसके सिनोनिम्स को सेंटेंसेस में समझेंगे, सेम सेंटेंस में। जैसे बोलेंगे आई हैड अ थर्स्ट फॉर रोमांस इन माई टीनेज, आई हैड अ थर्स्ट फॉर रोमांस इन माई टीनेज, मतलब होगा इसका किशोरावस्था में मुझे रोमांस की प्यास थी। थर्स्ट मतलब प्यास, तो किशोरावस्था में मतलब जो वो एज जो 13 से लेकर के 19 के बीच कई हो की होती है, उसमें हमें रोमांस की प्यास थी। इसी तरह से अब हम इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। आई हैड अ थर्स्ट फॉर लव इन माई टीनेज, तो लव की जगह पर रोमांस की जगह पर हमने लव का प्रयोग किया। इसी तरह से आई हैड अ थर्स्ट फॉर अफेयर इन माई टीनेज, तो अफेयर का मतलब लव अफेयर से है यहाँ पर। इसी तरह से आई हैड अ थर्स्ट फॉर कोर्टशिप इन माई टीनेज, तो कोर्टशिप का मतलब भी लगभग वही आता है रोमांस के मतलब में आता है। इसी तरह से आई हैड अ थर्स्ट फॉर फ्लर्टेशन इन माई टीनेज, तो फ्लर्टेशन का मतलब भी वही है, प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम लीला प्रेमाख्यान प्रेम संबंध को हम बोलते हैं रोमांस, या बाकी जो इसको सिनोनिम्स हैं लव अफेयर कोर्टशिप फ्लर्टेशन एटीसी। ठीक है, तो स्टूडियो में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।